हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल। तो आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ अपने लोग वापस। और गाइस आज की साली वीडियो में मैं उतर रहा था स्टेडियम में, वो खेल रहा था सोलो वर्सेस स्क्वाड। और यहां पे गाइस स्टेडियम में उतरती है पूरी की पूरी एक स्क्वाड, जैसा कि अभी आप लोग आगे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे पूरी एक स्क्वाड उतर जाती है, उनमें से एक बंदा अनफॉलो मार लेता है या फिर कुछ भी करे, भाई मेरे को नहीं पता था। और भाई साहब यहाँ पे मैं उतरता हूँ, और भाई साहब स्विमिंग पूल में भाई मैं उतरता हूँ, क्योंकि वहाँ पे उतर के भाई मैं मरना नहीं चाहता। तो भाई देख लो भाई 968 की भाई पिंग आ रही थी, तो भाई इतनी बुरी पिंग में भी भाई सरवाइव करना भाई कितना मुश्किल था। तो भाई क्या होने वाला था मुझे नहीं पता था। तो भाई अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, नहीं जा पा रहा था, फिर मैंने पॉज करा और फिर थोड़ी देर बाद जब मैंने देखा तो भाई तब जाकर भाई कहीं मेरा सही हो पाया। तो भाई उसके बाद गाइस मैं थोड़ा आगे जाता हूँ, आगे जाकर भाई मेरे को मिल जाती है भाई, अरे यार भाई आगे तो चला जा। आगे जाके गाइस मेरे को मिल जाती है थॉमसन और MP5 के, फिर से गाइस लोडिंग होने लगती है। तो वो थोड़ी देर बाद गाइस सही हो जाती है। तो उसके बाद गाइस मेरे को यहाँ पे और लूट करनी थी, और गाइस मैं अभी थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, ये मत सोचिएगा कि वो मैं हैकर बन गया। तो ठीक है गाइस, तो यहाँ पे जो स्क्वाड उतरी थी गाइस उसको तो गाइस ख़त्म करना ही था, और साथ ही साथ हम लोगों को यहाँ से सर्वाइव करके निकलना था, भाई पूरी स्क्वाड को भी फिनिश करना था। तो भाई अभी भाई मैं पूरे स्विमिंग पूल में भाई लूट कर रहा था, ताकि गाइस मेरे पर लूट की कमी ना पड़े और उन लोगों को बंदों को मैं निपटा सकूँ। और उसके बाद गाइस सामने से गाइस मेरे को कुछ फायरिंग की साउंड्स भी आ रही थी, तो भाई मेरे को लगा भाई यहाँ पे बंदे होंगे। और बस देखिए अंदर से मेरे को बहुत तेज से गाइस फायरिंग की साउंड्स आ जा रही थी। तो इसलिए मैं वहाँ पे एक मॉली कर देता हूँ, इसी तरह से मेरे को लगा था भाई उस बंदे को भाई डैमेज हो जाएगा और वो मर सकता था। तो लेकिन भाई उसको तो डैमेज कुछ भी नहीं होता है, लेकिन गाइस मेरे को यहाँ पे बंदा दिख जाता है, जो कि गाइस यहाँ पर नॉकआउट पड़ा हुआ था। और मैं इसे चेक करता हूँ कि भाई आ रहा है कि नहीं, और तभी भाई उनका एक प्लेयर आ जाता है, जो कि भाई आके उसको फिनिश करता हूँ। मैं तुरंत भाई अंदर रश कर देता हूँ इस बंदे को, बस इंजॉय करिए। गाइस मैं इनकी टीम के पहले बंदे को गाइस नॉक कर देता हूँ, और उसके बाद गाइस मैं सोचता हूँ कि देखते हैं भाई ये बंदा किधर है, हो सकता है भाई इसके और भी पार्टनर्स आए, वो मैं उन लोगों को देख नहीं पाता हूँ। लेकिन तभी भैया जी पबजी की ग्लिच की वजह से भाई इसका मेरे को हेड दिख जाता है, और भाई इतना ऐसे मतलब मैं जानबूझ के भाई से थोड़ी गोले मारता हूँ, ताकि गाइस हल्का फुल्का डैमेज मिलकर भाई ये आगे जाकर मर जाए। और ऑब्वियसली गाइस ये थोड़ा आगे जाकर मर जाता है, और उसके बाद मैं जैसे इसकी क्रेट लूट रहा हूँ तभी भाई इनका दूसरा पार्टनर आ जाता है, और गाइस मैं उसे प्रोन होकर भाई जैसे तैसे बस मैं उसे नॉकआउट कर देता हूँ, क्योंकि गाइस उसका हेड का एम में पकड़ लेता हूँ। और उसके बाद भाई साहब मेरे को यहाँ पे डर लगने लग रहा था, क्योंकि मैं सोच रहा था भाई मैं मार पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि अब भाई इनके थर्ड पार्टनर की भी आने की भाई लग रहा था, भाई हो सकता है भाई आ जाए। तो मैं थोड़ा इतना डैमेज दे देता कि मर जाए और मैं अपना किल कन्फर्म कर लेता हूँ। और उसके बाद मेरे को हेल्थ किट मिली गई थी, तो मैं सोचता हूँ भाई जल्दी जल्दी भाई साहब हेल्थ किट चढ़ा लेते हैं। वो बंदा तो नहीं आता है यहाँ पे, पर गाइस फिर मैं सोचने लगता हूँ चलो भाई साहब जल्दी से यहाँ से निकले भाई, मतलब ऊपर चला गया हूँ थोड़ा स्टेडियम की छत पर, तो मैं इधर आके लूट करने लगता हूँ। और गाइस मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत लूट कर रहा होता हूँ, तो भाई मैं सोचता हूँ भाई ये इसका थर्ड पार्टनर गया कहाँ, बार बार गाइस इसकी नोटिफिकेशन आ जा रही थी। और उसके बाद गाइस मैं ढूंढता रहता हूँ चारों तरफ ढूंढ रहा होता हूँ भाई कहाँ है कहाँ नहीं है। लेकिन उसके बाद गाइस फाइनली गाइस वो बंदा गाइस इस साइड से आ जाता है, और बस देखिए। और गाइस ये बंदा पता नहीं गाइस इतनी आसानी से मर जाएगा भाई मेरी थॉमसन से, मुझे नहीं पता था। लेकिन गाइस इसने भाई मेरी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी कम कर दी थी, तो मैं सोचता हूँ भाई साहब चलो सही है गाइस, क्योंकि गाइस इसकी अच्छी खासी लूट थी। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट एड किट लगा लेता हूँ, क्योंकि गाइस एनर्जी चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद गाइस मैं जल्दी जल्दी गाइस अपनी MP5 की एमो ड्रॉप करता हूँ, लेकिन अपने आप ही गाइस UMP 45 उठा लेता है। और मैं जल्दी जल्दी गाइस UMP 45 को M4 से बदल लेता हूँ, क्योंकि गाइस मेरे को M416 चाहिए थी। ऑब्वियसली आपको पता ही होगा भाई मैं M4 ले लेता अगर यहाँ पे AKM होती, तो मैं AKM ले लेता। और उसके गाइस मैं सोचता हूँ गाइस इसकी मिराडो लेके यहाँ से निकल लेते हैं।
और गाइस थोड़ी देर बाद में मतलब थोड़ी बहुत लूट ले लेता हूँ गाइस स्टेडियम में इन सबकी पेटी क्रिएट लूट के। और उसके बाद गाइस मैं सोचता हूँ कि भाई जल्दी जल्दी भाई साहब देख ले भाई कोई अच्छी स्कोप हो, तो भाई 3x होती है, मैं जल्दी जल्दी 3x लगा लेता हूँ। उसके बाद गाइस बाहर से मेरे को शूटिंग की आवाज़ें आ रही थी, तो मैं सोचता हूँ जल्दी जल्दी बाहर जाऊँ और देखता हूँ। और भाई होपफुली भाई साहब वहाँ पर मेरे को एक रियल बंदा दिखता है जो कि एक बॉट को नॉक करके मार रहा था। भाई मैं उसे भाई बड़ी ईजिली गाइस वहाँ पर हेडशॉट चिपका देता हूँ। अब मेरे को पता नहीं था भाई हेड चिपकेगा पर चिपक जाता है। और उसके बाद भाई साहब मैं इस बॉट का किल चुराने की कोशिश करता हूँ पर भाई नहीं छुड़ पाता भाई इसका किल। तो फिर मैं सोचता हूँ भाई यहाँ पे रेड जोन भी स्टार्ट हो चुका है और ऑब्वियसली भाई साहब अब देखो भाई जोन आने वाला है, तो भाई जब कार है यहाँ पे तो भाई काहे की देर, भाई जल्दी से भाई कार लेके भाई मैं यहाँ से निकल लूँगा क्योंकि गाइस जोन हम लोगों के काफ़ी ज़्यादा करीब में था। और उसके गाइस मैं निकलूँगा गाइस यहाँ से कोई ड्रॉप ढूंढने क्योंकि गाइस ड्रॉप के पास भी बंदे आ सकते हैं और आज मेरा थोड़ा बहुत लक भी अच्छा है क्योंकि गाइस इतनी बढ़िया मतलब इतनी बुरी पिंक के अंदर भी भाई मैंने सर्वाइव कर गया यही बहुत बड़ी बात है। तो हो सकता है गाइस आज हमारा लक अच्छा हो, तो चलिए देखते हैं। और गाइस मैं स्टेडियम से आ जाता हूँ कुछ थर्ड हिल की तरफ क्योंकि गाइस थर्ड हिल के अंदर गिर रहा था एक ड्रॉप और गाइस मेरे को ड्रॉप लूटना था और मेरे को ड्रॉप नहीं लूटना था, मेरे को उसके आसपास आए हुए बंदों को मारना था। तो भाई इसलिए मैं निकल लेता हूँ और आपको पता ही है भाई सोलो वर्सेस स्क्वाड में भाई अक्सर स्क्वाड ही आ जाती है भाई ड्रॉप लूटने के लिए। और यहाँ पे ऐसा ही होता है, यहाँ पे ऑलरेडी गाइस एक जीप खड़ी होती है, तो मैं सोचता हूँ जल्दी जल्दी भाई इससे थोड़ा दूर जाकर रोकूँ क्योंकि गाइस हो सकता है वहाँ पे एक स्क्वाड भी हो, तो मैं जल्दी जल्दी इससे थोड़ा दूर जाकर रोकता हूँ। और तभी गाइस मैं वहाँ पे जरा स्कोप इन करके देखता हूँ, वहाँ पे एक बंदा होता है मुझे टपा टप गाइस बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया था, लेकिन गाइस ये चला जाता है अपने ड्रॉप के कवर में। अगर गाइस ड्रॉप के कवर में ना गया होता ना भाई सही बता रहा हूँ ये बहुत गंदे तरीके से मारा आता है, लेकिन पता नहीं गाइस ये ड्रॉप की इसको कवर मिल जाती है यार इसकी किस्मत अच्छी थी। लेकिन गाइस मैं तभी गाइस हर जगह से गाइस मारने की कोशिश करता हूँ, तभी गाइस ये एक और बार मेरे को स्पॉट हो जाता है और अब मैं गाइस इसे मौका नहीं देता हूँ और इसे नॉकआउट कर देता हूँ। और उसके बाद गाइस इनका एक और दिख जाता है टीम का मेरे को बंदा जो कि वाइट कलर की शर्ट टी शर्ट पहने हुए लेटा हुआ था, एकदम बॉट के कपड़े था पर था रियल बंदा, पर गाइस इसकी गोली नहीं लग रही तो मैंने सोचा कि चलो 4x लगा के मारे। और बस देखिए तो बस इतनी गोली मारने के बाद मैं निकाल लेता हूँ अपनी थॉमसन, मैं सोचता हूँ चलो अब थॉमसन से मारो, और गाइस ये इसी साइड आ रहा होता तो मैं जल्दी जल्दी गाइस अपनी थॉमसन लेके भाई इसके ऊपर जड़ देता हूँ और गाइस ये बड़ी ही इजीली गाइस नॉकआउट करता है। और इसने बहुत बुरी गलती करी थी कि भाई ये भागते हुए आ गया, वरना अगर ये भागते हुए ना आता तो ये बच भी सकता था। तो भाई मैं जल्दी जल्दी भाई देख लेता हूँ, तभी भाई पीछे से गोलियाँ चलती हैं, मैं पीछे स्कोपिंग करके देखता हूँ तो वहाँ पर गाइस मेरे को दो बंदे आते हुए दिखते हैं। बस देखिए इन दोनों बंदों को तो गाइस मैं बड़ी इजीली गाइस नॉकआउट कर देता हूँ, ये लोग तो गाइस मैं जरा से बिल्कुल कुछ दूसरी गाइस एनर्जी कम कर पाते हैं। और गाइस मेरे को इनके चौथे बंदे की गाइस तलाश थी, इनके चौथे बंदे क्योंकि भाई वो दिख ही नहीं रहा था और वो मेरे को लास्ट में मिलता है एकदम लास्ट में, यहाँ पे स्मोक पता नहीं कौन कर देता है तो मेरे को लगता है भाई हो सकता है भाई इसके अंदर बंदा हो, बट गाइस यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं होता है। भाई मैं इसके अंदर भाई एक मॉली भी कर देता हूँ, मैं सोचता हूँ जल्दी से इसके अंदर एक मॉली करके फिर कवर में चला जाता हूँ, लेकिन गाइस इसके अंदर ना गाइस एक भी बंदा मेरे को स्पॉट नहीं होता है, मतलब भाई एक भी बंदा भाई यहाँ पे होता ही नहीं है। लेकिन गाइस वो जो बंदा था हमारा मतलब जिसको मैंने नॉकआउट करा था वो शायद हाँ वो भी मर गया था, सॉरी गाइस वो भी मर गया था, लेकिन गाइस इनका लास्ट प्लेयर गाइस एकदम लास्ट में मेरे को मिलता है और फिर इससे गाइस जो फाइट होती है वो एकदम मस्त वाली थी। तो मैंने तो भाई मैंने अंदर धूप ऐसे ही गोली चला देता हूँ, हो सकता था स्मोक के अंदर कहीं अगर डैमेज लगता था मैं वहीं मारने लगता, लेकिन गाइस जो बंदा यहाँ पर होता ही नहीं है। तो मैं फिर सोचता हूँ कि चलो भाई मैं फाइनली ये डिसीजन ले लेता हूँ कि चलो भाई क्यों ना आप चला जाए भाई, मतलब भाई बहुत देर हो गई और जोन भी आने वाला है, देख लो गाइस 16 सेकंड्स बचे हैं तो भाई जल्दी जल्दी निकल लेते हैं यहाँ से। पर मैं मतलब चेक कर रहा था पता चले आ जाएँ तो मैं सोचता हूँ कि चलो भाई जल्दी जल्दी चेक करें, बट गाइस ये लोग बहुत देर हो जाते हैं, ये लोग आते ही नहीं हैं। और फिर मैं सोचता हूँ जल्दी जल्दी भाई इनकी एक क्रेट लूट लूँ, लगता कुछ अच्छा लेकर घूम रहा हूँ, लेकिन वही टट्टी चीज है लेकर घूम रहे थे ये बंदे। तो मैं मेरे को अब तो भाई कंफर्म हो गया था कि अब यहाँ पे कोई बंदा है ही नहीं, क्योंकि अगर वो बंदा होता तो इतनी देर में तो भाई यहाँ पे आ भी चुका होता ना गाइस। तो मैं सोचता हूँ कि जल्दी जल्दी जाता हूँ भाई ड्रॉप जाके लूटता हूँ, हो सकता कोई अच्छी गन मिल जाए।
गाइस ड्रॉप के अंदर मेरे को मिल जाती है M249 सबका बाप, मतलब M249 मिल चुकी थी तो अब तो तुम गाइस तबाही ही मचने वाली थी। तो गाइस वीडियो को गाइस लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड गाइस मेरे लास्ट मतलब जिसमें मैंने फुल गेम प्ले अपलोड करा था उसमें भी गाइस उन्होंने M249 लेके एकदम मतलब भाई धमाल ही मचा दिया था। तो भाई इसमें भी भाई M249 मिल चुकी है, तो देखना है भाई इसके अंदर भाई मैं धमाल मचा पाऊँगा कि नहीं मचा पाऊँगा। तो गाइस मैं जल्दी जल्दी गाइस अपने M2 मतलब अपनी यूजर लेके भाई आ जाता हूँ भाई इस रेड कलर के हाउस के पास। और ऑब्वियसली गाइस यही वो जोन बन रहा था, तो मेरे को लग ही रहा था गाइस इसके अंदर प्लेयर्स होंगे क्योंकि यही एक कवर वाली जगह है जहाँ पे बंदे हो सकते हैं। और गाइस लेकिन यहाँ पे भाई मेरे को एक बंदे के फुटस्टेप्स नहीं आ रहे थे, लेकिन तब भी मैं नीचे आके बैठ गया था ताकि कोई भी अगर ऊपर होगा तो भाई मैं मारा नहीं जाऊंगा। और गाइस मैं चेक करने लगता हूँ स्कोप से कि भाई M249 चेक कर लेता हूँ, तो अभी मेरे को बंदा दिख रहा हूँ। मैं उसे गाइस टप्पा टप वाला स्प्रे देके नॉकआउट करने की पूरी कोशिश करता हूँ, गाइस ऑब्वियसली गाइस नॉकआउट भी हो जाता है। और उसके बाद गाइस मैं सोचता हूँ कि जल्दी जल्दी M249 रिलोड करूँ और देखते हैं भाई इसके और पार्टनर्स यहाँ पे आएंगे तो मैं उनको भी निपटा दूंगा। एंड गाइस मेरे अभी यहाँ पे 7 किल्स हो चुके थे, तो अगर मैं चेक करने होता तो कम से कम 1 किल तो भाई बढ़ता ही और 8 किल्स के साथ हो जाता तो अगर होता तो फिर मैं चेक कर लेता हूँ भाई ये कहाँ है बंदा, भाई कहाँ है भाई मिल जाता भाई तुम मारता। पर गाइस इसकी आ ही जा रही थी भाई गोलियां इनके टीममेट की, भाई गोली मारे जा रहे थे। और मैं चेक भी करता हूँ भाई कहाँ है ये बंदे, भाई दिखते ही नहीं है। तो फिर भाई मैं अत जाता हूँ, मतलब मैं सोचता हूँ भाई कहाँ गया होगा। तो मैं फिर सोचता हूँ कि भाई अगर इन लोगों ने पुश मार दिया तो मैं क्या करूँगा। तो मैं सोचता हूँ कि चलो भाई एक स्मोक करता हूँ, उसके अंदर अगर ये लोग जाएंगे तो भाई मैं उसके अंदर से गाड़ी चला दूंगा। तो मैं सबसे पहले अपने एक यूजर के पास भी एक स्मोक करता हूँ, वहाँ पे गाइस 2 स्मोक उठाते हैं, मेरे को नहीं पता भाई कैसे हुए पर 2 स्मोक उठाते हैं। मैंने तो गाइस एक ही करा था, एक उन लोगों ने कर लिया होगा। एंड उसके बाद गाइस मैं गाड़ी लेता हूँ और घुसा देता हूँ, तभी गाइस मेरे को इनका एक बंदा दिखता है, लेकिन तभी गाइस जब पास से निकल जाता है और बस देखिए इन्जॉय करिए क्लच को, लेकिन गाइस क्लच को बाद में एंजॉय करिए, पहले ये देख लीजिए मेरी कितनी कम एनर्जी बची थी। और भाई साहब इतना बुरा लगता कि देख लो भाई मेरी गाड़ी के अंदर से गाइस ये लोग धुआं तक निकाल देते हैं। देखो भाई मेरे को तो लग रहा था भाई मैं नहीं बच पाऊंगा, तो भाई पता नहीं भाई ये 8 किल मेरे पता नहीं कहाँ से हो गया। अच्छा हाँ याद आया, वो नॉकआउट वाला बंदा गाइस मर गया होगा। और गाइस मेरे को तो नहीं लग रहा था भाई मैं अब बच पाऊंगा, 3 अलाइव बंदे थे और 8 किल्स थे मेरे, तो मेरे को नहीं लग रहा था भाई मैं बच पाऊंगा। तभी भाई गोली चलती है और भाई ये एक और बंदे को भाई निपटा देता जो कि मेरे पास ही मरा था। और उसके बाद बस देखिए गाइज इसी के साथ अपना हो जाता है स्वादिष्ट चिकन डिनर। तो गाइज होप दैट आप लोगों को वीडियो पसंद आए होगा, अगर हाँ तो वीडियो को थम्स अप दें, लाइक करें, चैनल पर नया तो गाइज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम लोग आपके लिए ऐसी धमाकेदार वीडियोस लाते रहें रोज। और गाइज ये क्लच आपको कैसा लगा गाइज कमेंट करके जरूर बताना। भाई लास्ट बंदा भाई कवर में नहीं जा रहा था तभी भाई मारा गया, वरना नहीं मारा जाता। और गाइज जल्दी से जल्दी गाइस हम लोगों के 120 सब्सक्राइबर्स पूरे कराइए। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू।